씻어진 기후 5만 원이 갔을 때. 이만의 세미니. 기시세네. 아저, 온께 비차롭게 아다리트. हमारे मित्र राजेश ढाबरे जी एवं भावना ढाबरे जी, इन्होंने परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को ट्रिब्यूट ये म्यूजिकल एल्बम यहाँ पे उनका लॉन्च हो रहा है, और उस निमित्त यहाँ पे उपस्थित सभी आदरणीय डॉक्टर सुखदेव थोरात साहब, आदरणीय जितेंद्र जी, शान जी, आदरणीय राजदत्त जी, कोच कर आश्क अपनी आँखों से, कोच कर आश्क अपनी आँखों से, मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं मिलता, सर उठाओ तो कोई बात बने। क्या बात है, जोरदार तालियां। मुझे जितना बैठा था तो दोनों चल रहा था, एक गाना इन्होंने गाया, एक गाना इन्होंने गाया, एक गाने में डॉक्टर अम्बेडकर जी। पहले ये बता दूं कि देखिए, मैं ये मुझे कह रहे थे कुछ शब्द बोले लिए, मैंने कहा ऐसे नहीं बोल सकता, अभी कुछ याद नहीं रहता, अभी जो दिल में आएगा बोलूंगा, कुछ गलती होगी तो माफ कर देना। बाबा साहब के बारे में कुछ भी बोलना मुझे ऐसे लगता है कि जैसे सूरज को रोशनी। हम अपने घर में नियम और कायदे नहीं बना सकते, और उन्होंने इतने बड़े हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लिख डाला। देखिए, आजादी जीतना एक बात होती है, आजादी पाना एक बात होती है, लेकिन आजादी को संभालना बहुत मुश्किल है। इन्हीं के संविधान की वजह से आज हम सब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, इवन द स्मॉल बिग ऑल दी चैप्टर्स। निकालना तू मेरे उसी में कल में कहाँ कर रहे हो। अभी इनके बारे में यही कहूंगा कि राजेश ढाबरे जी और उनकी वाइफ भावना जी, ये जो प्रयास है, द थॉट जो दिल से निकलता है वो मालूम पड़ता है उनके ये गायकी में, वो इतना अच्छा लगता है देखने को कि दिस पीपल आर डूइंग इट फ्रॉम बॉटम ऑफ देयर हार्ट। ये जो रट तो सब लगाते हैं, वो दिल से करने वाले बहुत कम होते हैं, ये बहुत दिल से कर रहे हैं। और मुझे एक बात का बहुत दुख है, वो हमेशा होता है, जब भी मैं कोई अच्छा गाने वाला सुनता हूँ मुझे रोना आता है। मुझे गाने का इतना शौक है, और मैं जब मैं ऊपर जाऊंगा ना, ऊपर वाले को पूछूंगा कि इतना शौक कूट कूट के भरा और इतना बेसुरा क्यों बनाया मेरे को, मैं अपनी आवाज सुन के डर जाता हूँ। These people have sung so beautifully, so well. और मेरे को तो सपना आता है, मैं सपने में देखता हूँ कि मैं गाना गा रहा हूँ और किसी रेस्टोरेंट में ऐसे ही दिल आया, मैं गाना शुरू कर दिया, लड़कियाँ पागल हो रही हैं, बाल खींच रही हैं, इतने में जाग जाता हूँ और बीवी को अपने बता दो कि ऐसा सपना आया, वो कहती है सो जाओ, डरावने सपने नहीं देखते। तो कहने की बात यह है कि दे आर गिफ्टेड एंड दे आर यूजिंग देयर टैलेंट, देयर गिफ्ट, देयर पावर इन वेरी राइट डायरेक्शन फॉर द वेलफेयर बाय द गाइडेंस ऑफ द मैन हु गाइडेड अस सो मेनी इयर्स अगो, एंड वी आर फॉलोइंग दैट पाथ एंड वी शुड बी ऑल ग्रेटफुल। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, एंड लुकिंग फॉरवर्ड। देखिए, हमारे देश में बोलने की बीमारी आम है, कई बार लोग क्या है
एक बार माइक पकड़ लेते हो चिपक जाते बोलते रहते, तो गाने वाले कभी नहीं गाते। अब मैं इनको बोलूंगा आप गाते रहो बस, जब तक हम बोर होके चले ना जाए आप गाते रहना। अगर आप किसी गायक के हाथ माइक दे दें शुरू करें तो उनको रोकना मुश्किल होता है। बाकी राज्य मनोवृत्ति से पहुंचा के हमारे इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं वो प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो प्रोफेशनल काम करते हैं उनके लिए उसका, लेकिन मतलब ये शौकियाँ कर रहे हैं लेकिन अभी जा रहे गाने के लिए और मैं पहुंच गया। जब उन्होंने गाना सुनाया अपनी आवाज़ में और सुना और देखा कि ये तो यार अभी उल्टा पड़ गया कि मैं इसे गा पाऊँगा कि नहीं। उन्होंने जिस तरह से गाया मैंने उस दिन से हमारी जो एक दोस्ती हुई है एक उनके लिए काम के जो स्क्रिप्ट में आया है कि एक ऐसे इंसान जो फुल टाइम 24 आवर जॉब दैट ही इज डूइंग अक्रॉस द कंट्री एंड येट ये एक गाने जो इतने सालों से बनते आए हैं, इतने सारे लाखों गाने बने हैं, लेकिन अगर एक गाने के पीछे कोई खास मत हो, एक गाने के पीछे एक खास इंस्पिरेशन हो तो वो गाना वाकई में गाना कहलाएगा। और इतने सारे गाने इस तरह के हैं चाहे रुचि पर हो चाहे पर, और जैसे आपने ये गाने सुने तो कहीं लग नहीं जाए कि वो कोई प्रोज को ज़बरदस्ती गाने में फिट किया गया है। इसमें जन सघानंद मंत्री ये सारी बातें भी हैं, उसमें दामोदर हिमाकुंड, लेकिन जब आप सुनेंगे गाने को उसकी मीटर उसकी फ्लो बिल्कुल गाने की तरह है, पोइट्री की तरह है। और ये बहुत ही मुश्किल काम है, रोमांटिक गाने लिखने ट्यून बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन इन सोशल कॉजेज पर गाना बनाकर उसको एंटरटेनिंग भी बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। जो जो राजेश सर ने कितने आसानी से कर दिखाया है, वेरी वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस। और मैं ये नहीं कहूँगा कि फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री इज लॉस इज कस्टम्स गेन, बिकॉज ही इज गेन टू बोथ इवन टू द कस्टम्स एज वेल एज ऑफ कोर्स द कस्टम ट्रेडिशन एंड द हेरिटेज ऑफ इंडिया थ्रू दिस सॉन्ग टू दिस मेक वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिल में सिर्फ देश भक्ति ऐसा मेरा भीम राव रे, हाथों में भारत का एक ऐसा शिल्पकार रे, दिल में सिर्फ देश भक्ति ऐसा मेरा भीम राव रे, आधुनिक भारत का एक ऐसा वो शिल्पकार रे। एक बार शान के लिए शानदार तालियां हो गया। अब रिक्वेस्ट राज सर की। से जो मिलता है
more life about it. वो सूर और शुभ और ये काम पहला कदम लगता है मुझे कि बॉलीवुड ने ऐसा माना है अनुमान किया कि सीरीज हर व्यक्ति के मन में पहुंचे और उससे प्रेरणा लेकर अपना जीवन वो व्यक्ति करेंगे यही भाव पूर्ण शब्द इस कार्यक्रम में सबके और अपना जीवन हो सकता है।